एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और जब उसका ये स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके स्टैमिना पे, उसके एनर्जी पे, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, उसके मेमोरी पे इम्पैक्ट हो जाता है। एक बच्चे का जब कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया है, स्टैमिना बिगड़ गया है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद ठीक से ना होना, या जो उसका रूटीन है वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाना, वो बहुत ज़्यादा थक रहा है, या उसका डाइट प्रॉपर नहीं है, या कोई मेंटल स्ट्रेस है, घर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, यानी अगर माँ बाप में या कोई और रिलेशंस में बहुत झगड़े हैं या तान तनाव है, तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे पड़ता है। स्कूल में, बाहर पे एडजस्टमेंट्स में इशू हो रहे हैं, या सम कुछ बॉडी इमेजिंग इशूज़ है, या कुछ बुलिंग से वो परेशान हो रहा है, या ऐसे कुछ भी इशू है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसके डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब कंटेनिंग चीज़ें जा रही है या बहुत ज़्यादा फैटी फूड जा रहा है, तो भी उसके कॉन्सेंट्रेशन पे या उसके मेमोरी पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो सारे फैक्टर्स है, उसे सोचने के लिए, समझने के लिए हमें बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी, उसका रूटीन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे कुछ बीमारियां भी है जिसकी वजह से उसके मेमोरी पे इम्पैक्ट हो सकता है। और मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, फिजिशियन, हेल्थ सेवी चैनल से, जिसमें हम लोग आपके लिए हर वीक एक साइंटिफिक टॉपिक लेके आते हैं और जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप टेक्नो सेवी के जैसे हेल्थ सेवी बन जाए। तो आज मैं उसी बीमारियों के बारे में या उसी डेफिशिएंसीज के बारे में बात करूंगी जिसका इम्पैक्ट एक बच्चे के ब्रेन पे या मेमोरी पे हो सकता है, और जिसे हम लोग बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी पाई जाए या कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाए तो उसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बीमारी है एनीमिया, यानी बॉडी में खून की कमी होना। काफी बार हम लोग को लगता है कि खून की कमी होना ये बड़े लोगों की बीमारी है, लेकिन बच्चों में भी खून की कमी हो सकती है। बॉडी में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन कम रहना, जिसकी वजह से स्टैमिना कम हो जाता है, बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं या एग्जर्शन नहीं कर पाते, कुछ भी नया सोच नहीं पाते, कुछ भी नया कर नहीं पाते, और जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पढ़ाई पे इम्पैक्ट होता है। दूसरी तकलीफ है, बीमारी है थायराइड। स्पेसिफिकली जब बच्चे लगभग 12 से 14 साल की उम्र के हैं, जब उनका मेनार्के हो रहा है या उनका ग्रोथ स्पर अचीव हो रहा है, उस समय पे थायराइड की बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्पेसिफिकली फीमेल्स में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और थायराइड का ब्रेन पे और मेमोरी पे इम्पैक्ट, ये तो बहुत प्रूवन है, और इसका बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप भी होता है। इसलिए थायराइड की बीमारी देखने के लिए एक TSH जैसे सिंपल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगला है ब्लड शुगर लेवल या डायबिटीज। ऑफकोर्स बच्चों में भी डायबिटीज आ सकता है, अगर उनका वजन ज्यादा है या वो बहुत हाई कैलोरी फूड लेते हैं तो उनमें भी शुगर एबनॉर्मल हो सकते हैं, और अगर लंबे समय तक शुगर ज्यादा है तो उससे भी स्टैमिना, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और उनके कॉन्सेंट्रेशन पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए ब्लड शुगर जैसे सिंपल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगली बात है आयरन और विटामिन B12 की कमी होना। आयरन, जिसको हम लोग देखने के लिए जांच करने एक सिंपल टेस्ट रहता है, सीरम आयरन लेवल या फेरिटिन लेवल, उसे देखना चाहिए, और B12 देखने के लिए सीरम का जो या ब्लड में जो B12 की सिंपल जांच होती है वो हम लोग कर सकते हैं। B12 का तो हमारे मेमोरी पे, ब्रेन पे, नर्व्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट रहता है या उनका कनेक्शन रहता है, लेकिन आयरन लेवल भी, आयरन की कमी होने की वजह से मुंह में छाले आना, हेयर फॉल हो जाना या खून की कमी होना, और फिर इनडायरेक्टली बॉडी का स्टैमिना कम हो जाना, एनर्जी कम हो जाना, मेमोरी कम हो जाना, ये भी हो जाता है। तो सीरम आयरन लेवल कराना और सीरम बीचो लेवल कराना, और अगर वो कम ही पाए जाए तो उसके लिए मेडिसिन से या इंजेक्टेबल से, सिरप से, डाइट में मॉडिफिकेशन करके उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और अभी आखिरी पॉइंट है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, लीड, फोलिक एसिड, इनकी भी जांच करवाना और उनकी बॉडी में मात्रा देखना। एक तरफ जिंक, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड की कमी के वजह से ब्रेन पे इम्पैक्ट हो सकता है, बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो दूसरी तरफ लीड, ये जो एलिमेंट है, मेटल है, उसकी अगर बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है तो उसका बॉडी पे, ब्रेन पे बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है। लीड टॉक्सिसिटी ये बहुत कॉमन है, स्पेसिफिकली जो बच्चे क्रेयॉन मुंह में बार बार डालते हैं, या जो ऑयल पेंट की हुई टॉयज है वो मुंह में डालते हैं, ऐसी कोई भी चीज मुंह में डालते हैं, तो उसकी वजह से लीड टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं, और वो जो ब्रेन के फंक्शन पे इम्पैक्ट करता है। काफी बार अगर एक बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या वो बहुत चंचल है, एक जगह पे ठीक से नहीं बैठ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो उसको ADHD के नाम से लेबल किया जाता है। ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन करने में, एक जगह बैठ के पढ़ाई करने में मुश्किल हो जाती है, और वो बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है या बहुत चंचल होता है। ADHD के लिए ब्रेन रिलेटेड बाकी चीजें भी कारण होती है, लेकिन उसके अलावा ये जो हम लोगों ने फैक्टर्स देखे,
जैसे कि खून की कमी होना, थायराइड प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, आयरन, B12, जिंक, मैग्नीशियम की कमी होना, ये सारी चीजें भी ADHD के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बच्चे को कोई भी बीमारी से लेबल करने से पहले ये सिंपल टेस्ट जो इजीली अवेलेबल है उसे प्लीज करिए, और अगर उसमें कमी पाई जाती है, एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो आपके डॉक्टर से बात करके उसे ट्रीट कीजिए। बच्चों का ध्यान रखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक केयर।